साल ऐसा रहा जब इंसान फूड चेन में बीच में रहे, मिडिल में रहे, मतलब कि इंसान घास खाता है, फल खाता है, ठीक है, छोटे छोटे जानवरों को मार लेता है, चूहे को, इसको उसको मार लेता है, लेकिन बड़ा शिकार नहीं कर पाता है। उसको आज मतलब उसको डर लगता है शेर से, उसको डर लगता है बड़े जानवरों से, शार्क से डर लगता है, शार्क शेर इनको खा जाते हैं। तो शुरू में कई साल इंसान जो है वो बीच में रहा, मिडिल में रहा, यहाँ कहीं पर रहा, बीच में रहा, ठीक है। अब होता क्या था कि मान लो किसी किसी शेर ने कोई जानवर का शिकार किया। अब शिकार करने के बाद शेर ने उसे खाया। अब इंसान को क्या करना है, इंसान चुपचाप बैठ के देखा करता था कि ये शेर जो है खा के चला जाए, ठीक है। अब शेर ने खाया लेकिन इंसान की बारी अभी भी नहीं आई। उसके बाद आती है लकड़बग्घों की बारी, लकड़बग्घे खाएंगे, ठीक है। जब लकड़बग्घे भी खा खू के चले जाएंगे तो आखिरी में इंसान छुपते छुपाते पहुँचता है और देखता है कि कुछ बचा कुचा है कि नहीं है। अमूमन बहुत कम मांस बचता है। अब दो दो जानवर खा के जा रहे हैं तो बचे कुछ नहीं है। तो इंसान ने क्या किया, जो हड्डी होती है, हड्डी को तोड़कर जो अंदर बोन मैरो होता है, अस्थि मज्जा इसे कहते हैं, उसको खाना शुरू किया। तो बहुत सालों तक तो इंसान का जो सर्वाइवल चीज़ थी वो अस्थि मज्जा ही थी, वो बोन मैरो से कोई खाया करता था। अब बोन मैरो लेने के लिए, हड्डी तोड़ने के लिए उसे कुछ चीज़ की जरूरत तो पड़ेगी, तो पत्थर से तोड़ा करता था। तो शुरुआती टूल क्या थे, वो पत्थर, तभी तो हड्डी तोड़ पाएगा ना। तो इंसान ने यहाँ से पहली बार हथियार अपने बनाने शुरू किए, इनका यूज़ करना शुरू किया, छोटे शिकार को मारने के लिए, उन हड्डी को तोड़ने के लिए, ठीक है।